करनाल से भाजपा प्रत्याशी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने चुनाव प्रचार के दौरान शहर में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर भर की सामाजिक संस्थाओं से मुलाकात की। शहर की 96 संस्थाओं ने अंबेडकर चौक के नजदीक डॉक्टर मंगल सैन भवन में सीएम मनोहर लाल का स्वागत किया। इस मौके पर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। सीएम मनोहर लाल ने भी कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि बगैर सोचे समझे ही प्रलोभन पत्र जारी कर दिया गया, यह हकीकत में हो नहीं सकता, इसलिए कांग्रेस से बचकर रहना और पब्लिक को जागरूक करें, मतदान करने के प्रति अधिक से अधिक लोगों को उनकी ड्यूटी समझाएं। इस दौरान मतदान करने और करवाने के लिए भवन में लोगों को शपथ भी दिलाई गई। सीएम ने कहा कि वोट के लिए सामान बांटना बिल्कुल गलत है, हम सिस्टम से चल रहे हैं जिसका समाज का भला हो। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी कर दिया है यह लागू ही नहीं हो सकता, हम जनता को वही भरोसा देंगे जो कर सके। सीएम ने कहा कि हमारा मकसद अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। सीएम ने दुष्यंत चौटाला और उसकी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक गप्पू आया है, बच्चा पार्टी, जुमला पार्टी, कुछ भी कहे, इन्हें पता नहीं है कि क्या बोलना है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घेराबंदी करनी पड़ती है, हम दावा नहीं करते हैं कि गलत काम बंद हो गए हैं, लेकिन जनता के सहयोग से उनको रोक देंगे। रोड चौड़े हो रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सड़कों पर करनाल के जो एंट्री गेट है वहां पर गेट लगाए जा रहे हैं और वो गेट जो है राष्ट्रभक्तों के नाम पर लगाए जा रहे हैं, हमारी विरासत के नाम पर लगाए जा रहे हैं। उन सड़कों के बीचों बीच में डिवाइडर पे बहुत सुंदर जो है लाइटें लगाई जा रही है वो नजर आता है। जब हम 5 साल की बात करते हैं तो हमें नजर आता है कि हर पार्क के अंदर आज ओपन जिम लग चुका है। करनाल में एक भी ऐसी पार्क नहीं है जिसके अंदर ओपन जिम ना हो, वो भी एक सराहनीय कदम है। यहाँ पर आई तमाम राजनीतिक तो नहीं कहूंगा मैं इनको, धार्मिक, सामाजिक और इसके अलावा ट्रेड एसोसिएशन वगैरह, हमने कोई एसोसिएशन नहीं है इनके पास ना गए हो और हर एसोसिएशन से एक या दो आदमी चुनकर आपके स्वागत के लिए आए हैं, आपको सुने। तो इस सेवा के काम में लगे हुए इतने सारे हमारे वरिष्ठ जन, आपको सबको बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। चुनाव का समय चल रहा है, मुझे इतना ही बताया गया कि शहर के कुछ गणमान्य ऐसे सज्जनों से मिलना है। करना क्या है ये मुझे भी पता नहीं, अभी इतनी देर से पन्नू जी जो कुछ बता रहे हैं उसको मैं सुन ही रहा हूँ। बहुत लोगों ने सम्मानित किया, बुके दिए, एक ज्ञापन दिया। लगातार चुनाव प्रचार अभियान में आज लगभग 10 दिन हो गए और 50 के आसपास या इससे भी ज़्यादा सभाएं हो चुकी हैं, रोज़ाना 6-7-8 होती हैं। गला जवाब दे रहा है, मैंने कभी ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, तो फिर उसमें से रास्ता निकला कि आप कम बोलो, बाकियों को बुलवाओ। मैंने कहा बाकी बोलेंगे फिर मुझे बोलना ही पड़ेगा। उस नाते से देखिए चुनाव है और उस चुनाव में लोकतंत्र में जब ये सारा मंथन शुरू होता है इसमें कई उद्देश्य होते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जन जागरण होता है, सब लोग अपनी अपनी बात कहने का कोई मंच लेते हैं, पार्टियां अपनी बात कहती हैं, लीडर अपनी बात कहते हैं, प्रत्याशी अपनी बात कहते हैं और जनता में भी चाहे इंडिविजुअल हो चाहे संस्थाओं के रूप में वो भी अपनी बात कहते हैं और जो सामान्य जन होता है उसके शिक्षण प्रशिक्षण का एक अवसर होता है। बहुत लोग तो 5 साल तक एक चुनाव के बाद अगले चुनाव के बीच में अपने ही लोड़ तेल लकड़ी में लगे रहते हैं, वो अपना जैसे सामान्य जीवन यापन करते रहते हैं, लेकिन जब 5 साल के बाद चर्निंग होती है समाज में, एक मधानी, एक मंथन, तब सब लोगों को लगता है देश क्या है, प्रदेश क्या है, समाज क्या है, सरकार क्या है, लोकतंत्र क्या है, सरकार के काम क्या होते हैं, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं, उसको हल कैसे निकलेगा, पहले सरकारों ने कैसे निकाला, आगे वाले कैसे निकालेंगे। तो इतना बड़ा ये देश का या जिस इकाई में मानो प्रदेश में है तो प्रदेश के लोगों का एक मंथन होता है। हमारा मतदाता जो समूह है हरियाणा का 1,80,00,000 का मतदाता समूह है, तकरीबन हर विधानसभा पर एवरेज 2,00,000 वोट हो गए हैं। तो इन सब लोगों में चर्चा चलती है, हर प्रकार का लेवल है, कुछ लोग देश का सोचने वाले हैं, कुछ लोग प्रदेश का सोचने वाले हैं,
कुछ लोग अपने व्यापारिक समूह जो होता है उसका सोचने वाले हैं कि मंडी का क्या बनेगा, फिर किराने वालों का क्या बनेगा, फल विक्रेताओं का क्या होगा, सब्जी मंडी का क्या होगा, कपड़े वालों का क्या होगा। कुछ लोग अपनी जाति का सोचते हैं कि इस जाति का क्या होगा, उस जाति का क्या होगा। कुछ लोग अपने मोहल्ले का सोचते हैं, हमारे सेक्टर का क्या होगा, हमारे गांव का क्या होगा। और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं वो मेरा क्या होगा ये सोचते हैं। व्यक्तिगत भी सोच होती है, मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार को क्या मिलेगा। तो स्वार्थ से लेकर के परमार्थ तक सब बातें होती हैं। अब ये टेस्ट होता है प्रत्याशियों का, पॉलिटिकल पार्टियों का, सरकार जो चल रही होती है उसका, या जिसने सरकार बनानी होती है उसका, इस सब का एक टेस्ट होता है। हम लोग एक सिलेबस तय करते हैं, जब चुनाव लड़ते हैं सिलेबस बनाया जाता है। उस सिलेबस के हिसाब से यदि सरकार बन जाए तो उस सिलेबस के हिसाब से फिर काम करना होता है, जिसको हम संकल्प पत्र या घोषणा पत्र ये कहते हैं। उसके हिसाब से 5 साल काम करते हैं, फिर 5 साल के बाद परीक्षा होती है। परीक्षा के मैदान में 20-25 हज़ार लोग आते होंगे, घर में तो कोई अलग से कोई दशहरा बनाता नहीं, थोड़ा बहुत खाने में खीर बना लेंगे, जलेबी बना लेंगे, खाना पीना ठीक कर लेंगे। लेकिन उसमें भी इतना बड़ा संख्या में लोग पार्टिसिपेट नहीं करते जितना चुनाव में करते हैं। अब लोकतंत्र की विशेषता है, उसमें फिर अलग अलग जिम्मेवारियाँ, अलग अलग दायित्व। एक प्रत्याशी के नाते दायित्व होता है अपने एरिया में वोट मांगना। पिछली बार मैंने वो किया, लगभग 450 छोटी बड़ी सभाएं कह लो, नुक्कड़ मीटिंग कह लो, कॉर्नर मीटिंग जिसको कहते हैं, घरों में जाके छोटे छोटे ग्रुप में मीटिंग की, चाय के कार्यक्रम किए, बड़ी सभाएं भी की, 2,000-4,000 की सभाएं भी पिछली बार हुई। और लेकिन इस बार जिम्मेवारी अलग है, प्रत्याशी भी हो। 5 तारीख को जब आया था मैंने 5-7-8 कार्यक्रम किए थे, कुछ वर्कर्स के थे, कुछ समाज में लोगों में थे, तो एक ही विषय रखा था, बोलो आपने मेरी भूमिका क्या लगानी है। अगर आप कहते हो मैं करनाल में घूमता रहूं तो बाहर नहीं जा पाऊंगा, और बाहर समय लगाना है तो करनाल में उतना समय नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं ने, समाज के ऐसे अग्रणी लोगों ने एक संकल्प लिया कि मैं मनोहर हूं, ये कह करके आपका सबने का आश्वासन लिया कि आप निश्चिंत हो जाओ, हरियाणा में घूम के आओ। अब घूम रहा हूँ हरियाणा में, फिर भी बीच बीच में मन करता है कि नहीं भी अपने लोगों में जाके मिल तो आओ। तो 2 दिन पहले भी एक ना 2-3 घंटे से लगा गया था, आज भी अभी नीलोखेड़ी का कार्यक्रम करके लास्ट करनाल में आया कि अपने कुछ बंधुओं से मिलना जुलना हो जाए। आपसे मिलने के लिए आया हूँ। चुनाव में अपील मैंने पहले भी कर दी थी, आज भी कर रहा हूँ, वही अपील कर रहा हूँ कि इस विधानसभा सीट में मुझे अगर वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा तो काम हरियाणा का हर्ज होगा, और अगर ये काम आप अपने जिम्मे लेते हो तो आपसे मिलने जुलने का कार्यक्रम आज जैसे किया है, शायद इसके बाद मैं 19 तारीख ही आ पाऊंगा, उससे पहले आना मेरा संभव भी नहीं होगा। अब आप बताइए, 19 को आऊंगा तो काम चलेगा, चलेगा ना। हाँ, तो उससे पहले चुनावी प्रोसेस में जो जो काम होते हैं सब करने हैं, डोर टू डोर घूमना, मार्केट टू मार्केट घूमना, संस्थाओं के कार्यालयों में जाना, बस्तियों में जाना, छोटी सभाएं करना, कर रहे हैं अपने सारे लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में कर रहे हैं। आज मुझे आते ही जयप्रकाश जी मिले थे, कहाँ बैठे जयप्रकाश गुप्ता जी, अभी मिले थे, शायद वो निकल गए होंगे, उनके कार्यक्रम लगे हुए होंगे। तो कर लेंगे, मैं पिछले 3-4 दिनों से 40 मीटिंग की है मैंने, तो इतनी बड़ी आयु में इतनी निष्ठा के साथ, और वो जा जाके मीटिंग कर रहे हैं। तो हम भी अपने अपने जिम्मे लेकर के और ये मीटिंग्स में अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में, छोटे छोटे ग्रुप में करना शुरू करें, और मीटिंग ना करें तो कम से कम अपने इलाके में डोर टू डोर जा करके पार्टी का जो साहित्य है वो ले लें और जाके करके आए। तो इसलिए आप लोगों का अपना दायरा भी बहुत है, संस्थाओं का सबका अपना अपना दायरा है, किसी की मेंबरशिप है, किसी के कम है, किसी के ज़्यादा है, कहीं बिना मेंबरशिप के भी लोग श्रद्धा वश आपके साथ आते हैं, कहीं कहीं सेवा के काम में आपके बेनिफिशरी आपके पास आते हैं जिनके आप सेवा करते हैं, कोई छोटे मोटे डिस्पेंसरी भी चलाते होंगे तब भी सुबह से शाम तक
वहाँ लोग सेवा के लिए आते हैं तो उनको भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा चैलेंज ऐसा नहीं है, लेकिन एक चैलेंज जरूर है कि जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता में वोटर्स में एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में फिर कहीं ना कहीं घर बैठे रहने में लगता है कि क्या करना है, कोई खास बात नहीं है, वो नहीं आना चाहिए। और ये लोकतंत्र में घातक है, जीत हार में उतना महत्व नहीं है लेकिन लोकतंत्र में वोट कम पड़ना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, उसे पूरा करना पड़ता है। हमें इनकी कठिनाइयों को समझते हैं, उसमें से रास्ता निकालते हैं, निकाल रहे हैं, खूब निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात तो मंडियों में बहुत प्रसन्न है, अड़ते भी प्रसन्न है, किसान भी प्रसन्न है, कोई नहीं मैं कह रहा हूँ बहुत पसंद है, मैं बड़ा खुश हूँ इस बार। नहीं तो चुनाव के दिनों में हमको डर लग रहा था कि प्रोक्योरमेंट का टाइम आ गया, कहीं धान का समस्या आएगी, कहीं कपास की समस्या आएगी, कहीं और बातें, कभी पेमेंट नहीं हो रही, कभी लाइन लगी है जी, कभी क्या झगड़े पड़ते हैं उसमें, मॉइस्चर के झगड़े पड़ते हैं। बहुत बढ़िया, इस बार मिलर्स ने भी बहुत अच्छा, तो ये एक आगे बढ़ रही है बातें। गलत काम सारे बंद हो गए ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है, अभी भी कहीं कहीं गलत हो जाते हैं, लेकिन उसको चेक करना हमारा सबका काम है, सबका साथ सबका विकास। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।